ओके सो इट्स 11:05, शुरू करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड जज़ाकअल्लाह खैर फॉर ज्वाइनिंग। सो दिमाग में आ रहा होगा आप लोगों के कि वाई द टॉपिक द कॉन्शियस मुस्लिम, और उस पर भी डायरेक्टली वाई द क्योर, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो प्रॉब्लम तो डिस्कस ही नहीं करी है, और बिना प्रॉब्लम डिस्कस किए उसके सीधे सोल्यूशन के बारे में हम बात कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो लाइक आई हैव गिवन इट अ लॉट ऑफ थॉट, बहुत सोचा मैंने इसके बारे में। यूसुफ भाई, कैन यू प्लीज एडमिट एवरी वन इन जो भी इसके बाद आता है। इंशाल्लाह भाई जी। ओके ओके सो मैंने बहुत सोचा, और गिवेन कि जो जिन लोगों ने भी यहाँ पर स्पेशली आज ज्वाइन किया है, आई थिंक कि हम सब लोग सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्सपोज्ड हैं इन वेरियस वेज। उसके बाद आई थिंक कि एंड आई होप, मतलब मोस्टली मेरा सबसे जनरली इंटरेक्शन रहता है, तो सब लोग माशाल्लाह एजुकेटेड भी हैं। तो आई सी कि मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर कि क्या चल रहा है इन जनरल वर्ल्ड, और अपनी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में इनफैक्ट, और इवन इंडियन सोसाइटी में जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पर भी। तो आई गेस कि हम सब ना, लाइक ज़रूरी नहीं कि हम सबको सारी प्रॉब्लम्स पता हो, बट लाइक सबसेट ऑफ इट, अ वर्जन ऑफ इट, कुछ चीज़ें हम सब उससे वाकिफ़ हैं कि हमारी जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, या जिस घर में हम रह रहे हैं, या जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, जिस स्टेट में रह रहे हैं, उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, वी आर ऑल अवेयर अबाउट इट आई थिंक। तो इसलिए मैंने प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा ना फोकस करके मुझे दो चीज़ें डिस्कस करनी है मेनली यहाँ पर, और जो आई सी की इस बारे में जनरली कोई नहीं बात करता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने यूट्यूब वीडियोस नहीं देखे हैं, जो और माशाल्लाह स्कॉलर्स हैं कह दो आप उनको, या जो लर्न्ड स्पीकर्स हैं, जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह इन इन डिफरेंट वेज। इवन हमारे मस्जिद के जो और खुतबात वगैरह देते हैं जो इमाम हैं, वो सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बट दो पॉइंट वो जिन पे मैं नहीं देखता हूँ कि कोई बात कर रहा है, स्पेशली हमारी कम्युनिटी में। वो दो पॉइंट क्या है कि हम एट इंडिविजुअल लेवल पर, लाइक ऑन पर्सनल लेवल, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वी बिकम लाइक पार्ट ऑफ समथिंग बिग, विच इज़ बेसिकली ऑफ कोर्स इस्लाम। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर हम ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सी अप्रोच चूज़ करें, क्या पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें, या कौन किस स्कॉलर की, किस पर्सन की वीडियोस देखें कि हमारे अंदर ना इस्लाम का वो वाला एट्रीब्यूट और वो कैरेक्टर आ पाए, जो हम जनरली जिनके बारे में, जो हमारे लिए बस एक ख्वाब सा बन के रह गया है। सहाबा सहाबियात की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पर हम कैसा क्या करें, पर्सनल लेवल पर एक पहला पॉइंट ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और दूसरा पॉइंट ये होगा कि जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस एरिया में, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वहाँ पर हम ऐसे क्या मिनिमम स्टेप्स हैं जो हम कर सकते हैं टू क्रिएट दैट बटरफ्लाई इफेक्ट, जो मे बी इंशाल्लाह किसी किसी हम में से किसी के जरिए, या जितने भी 1.6 बिलियन ऑफ पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की पूरे वर्ल्ड में, किसी एक के जरिए भी वो इफेक्ट क्रिएट हो, जो एक्चुअली उस सोल्यूशन को लाए जिसके लिए सब लोग बेसिकली इंतज़ार कर रहे हैं, जिस जिस केओस से हम एज अ मुस्लिम कम्युनिटी गुजर रही है, उस चीज़ को इंशाल्लाह हम कोई सोल्यूशन किसी तरीके का हम फाइंड कर पाएँ। और यहाँ पर पूरी दुनिया की बात तो करने का क्या ही फ़ायदा, क्योंकि जनरली इफ़ वी टॉक अबाउट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो हमारे खुद के पास इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि अब किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली लास्ट 7-8, वैसे तो 7-8 साल में चीज़ें ज़्यादा बेसिकली इतनी विजिबल हो गई हैं कि सबको नज़र आने लगा है, बट आई एम श्योर कि, एंड नॉट ओनली श्योर, आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये प्रॉब्लम्स लास्ट जब से इंडिपेंडेंट हुआ है पाकिस्तान, तब से ये प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पर स्टार्ट हुई हैं। और शुरू शुरू में तो चीज़ें ठीक है स्टार्ट हो रही थी कि सबको साथ लेके चलना है, मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी इंडिया में रह गई थी जो पाकिस्तान नहीं जा पाई थी, तो दिखाने के लिए भी यूनाइटेड नेशंस वगैरह थी, जो भी सिचुएशन इस टाइम पर वर्ल्ड में इंडिया की, उसको शो भी करना था कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे जो भी माइनॉरिटीज़ यहाँ पर रह गई हैं, तो उस तरीके के स्टेप नीचे लिए गए थे, बट लेटर ऑन जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई, वी कैन सी एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस, लाइक सबके पास कोई ना कोई ऐसा केस होगा जिस सब जो जिसके बारे में पता होगा कि यार हमारा सिस्टमैटिक लिटरली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ओके, अब इसके वेरियस रीजंस हैं, तो इसलिए इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं करना मुझे जनरली, क्योंकि
क्योंकि वही जो मैंने पहला पॉइंट बोला कि आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर अबाउट कि क्या प्रॉब्लम्स हम इन लाइक इंडिविजुअली क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और इन जनरल अगर हम पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की इंडिया में बात करें तो हम क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी इस एट द मोमेंट फेस कर रहे हैं। और ज़्यादा इसमें ना हमें डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम कॉमन सेंस की भी दिमाग लगाएं बात करें तो वी कैन सी अवर फ्यूचर इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स की क्या होने वाला है अगर हमने इसके बारे में कुछ खासी अप्रोच और स्टेप ले लिए। तो स्पेशली वो यूथ और हम लोग जो अपने आप को कहते हैं कि वी आर द यू नो चेंज ब्रिंगर इन द वर्ल्ड और जनरली इस दुनिया में, ठीक है, इस्लाम के लिए, और तो इस बारे में जनरली मुझे बात करनी है। प्रॉब्लम्स कितनी हैं, हम मतलब लाइक अगर मैं बेसिक बेसिक आपको गिनाने लगूँ तो उसमें ही ऑनेस्टली आवर्स लग जाएंगे, घंटों लग जाएंगे, क्योंकि आप और इंडिया की मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं यमन सीरिया में क्या चल रहा है, पैलेस्टाइन में क्या चल रहा है, और उधर US में, लीबिया, यू नो इवन इन सऊदी अरेबिया किन किन जगहों पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर अबाउट इट। सोशल मीडिया पर सब कुछ शेयर हो रहा होता है, सबको सब कुछ पता है कि कितनी कितनी प्रॉब्लम्स हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि हम लोग इसके बारे में ना प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते ही नहीं हैं। प्रैक्टिकल स्टेप हमारा इतना तो महदूद होता है, खासतौर से जब से सोशल मीडिया आ गया है, हमने एक पोस्ट शेयर कर दी या हमने इंस्टा पर अपनी या ट्विटर पर या फेसबुक पर एक स्टोरी शेयर कर दी, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया कि देखो ये हो गया, देखो वो हो गया, एंड दैट्स इट। उसके बाद हम अपने घर पे माशाल्लाह अच्छे बेड होते हैं, अच्छे बिस्तर होते हैं, उस पर सो जाते हैं, फुर्सत में सुबह अच्छी सी चाय कॉफ़ी पीते हैं और अपनी ज़िंदगी के साथ मूव ऑन कर जाते हैं। एक जो वर्ल्ड विजन होता है ना, एक जो मुस्लिम को अल्लाह ने वीव दिया है कि तेरे लिए इतनी बड़ी दुनिया मैंने तैयार करी है आखिरत में, बस तुझे ये वाली दुनिया जो छोटी सी दे रहा हूँ ना, जिसकी औकात मच्छर के पर से भी बेकार है, उससे भी नीचे है, तो अगर इतना भी हमने बेटर कर दिया, इसमें थोड़ा सा भी परफॉर्म कर दिया, वो परफॉर्मेंस दी जो अल्लाह सुबहान व तआला हमसे चाहते हैं, तो आने वाली वर्ल्ड की तो फिर उसकी क्या ही बात करना, ठीक है। तो जो जिस प्रॉब्लम्स की हम यहाँ पर जनरली बात कर रहे हैं वो आप देखो तो लास्ट जब से स्पेशली इंडिया आज़ाद हुआ है उसके बाद आप स्टेप्स उठा लो, देख लो कि हमने हमारे फेवर में या जनरली मुसलमानों के लिए क्या क्या काम हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑफकोर्स ओनली मुसलमानों की बात करूँगा, ठीक है, इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है, और इसमें कुछ कुछ ऐसे काम हुए हैं जो वाकई में जिनको प्रेज किया जा सकता है, उसके अलावा वो भी कुछ हमारे ऐसे स्कॉलर्स माशाल्लाह निकले हैं। और वन मोर पॉइंट इसमें लाइक मैं क्लैरिफाई कर दूँ, इसमें जो मेरा ब्लेम होगा ना, वो ब्लेम इन इन पर तो होगा ही नहीं जो नॉन मुस्लिम्स हैं, सिंपल सी बात है, ब्लेम होगा हमने एज अ मुस्लिम, जो हमारे दादा परदादा, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन लोगों ने क्या किया, उनके दिमाग में क्या विजन था कि मेरे बच्चे आने वाले हैं कल को, 10 जनरेशन आने वाली है, हम ऐसा क्या करके जाएं उनके लिए ताकि उनको जो सिस्टमैटिक जो डिस्क्रिमिनेशन है जो उस टाइम पर इनफैक्ट हो रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर पूरी मुस्लिम वर्ल्ड इनफैक्ट केओस में था, सबको पता है कि क्या सिचुएशन है। जिनने जिसने भी थोड़ी सी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी है ना, और चलो इस्लामिक हिस्ट्री में बात कर नहीं कर रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँ, अगर जिसने भी थोड़ी सी पढ़ी है ना, सबको पता है कि बहुत थोड़ा दिमाग लगाना था हमें, और हमें पता चल जाता कि आने वाले टाइम में, यानी हमारे टाइम में, हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को पता चल जाता कि हम ये वाली प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं इस टाइम में। उसके बावजूद भी बहुत बहुत मिनिमम स्टेप्स लिए गए, 2-3 यूनिवर्सिटियाँ बन गई, ठीक है, जामिया और अलीगढ़ और 2-4 ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी, उसके अलावा कुछ भी ऐसा एक कंक्रीट सिस्टम नहीं बना, कंक्रीट यू नो एस्टैब्लिश सिस्टम नहीं बना। दारुल उलूम की बात कर दें और उधर नदवा की बात कर दें, तो उनके अलावा भी अगर आप देखो तो बहुत ही छोटे इदारे हैं, अगर हम कंपेयर करेंगे जो मुस्लिम पॉपुलेशन हमारी यहाँ पर है और जिस टाइप के हमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, वो बहुत बहुत छोटा है वो। और इसकी वजह से क्या हुआ ना, हमारा सिस्टम ना होने की वजह से ना, हमने लास्ट 60-70 ईयर्स में ना, आप यहाँ पर इंडिया में देख लो, 50 ईयर्स देख लो, कि कुछ कोई भी ऐसा बड़ा स्कॉलर, ऐसा बड़ा पर्सन यहाँ से इस जगह से निकला ही नहीं जिसने कुछ ऐसा काम कर दिया हो ना कि हम उस पर बेसिकली प्राउड फील कर सकें कि यार ये बंदा ऐसा काम करके चला गया ना कि बस इसके नाम से हम आगे अब आगे बढ़ के चले जाते हैं। जो थोड़े बहुत लोग आए भी उनमें इस्लाम का कोई कैरेक्टर था ही नहीं, उनके उनके बारे में इस्लाम की बात ही नहीं होती है कि यार अगर ये कोई सम ABC पर्सन लाइक था 20 साल पहले, 30 साल पहले, तो उसके इस्लाम की बात ही नहीं होती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ोगे ना, लाइक बेसिक से स्टार्ट करो आप, 30 साल खुलफा राशिदीन का पीरियड तो छोड़ दो आप,
उमैयद का भी पीरियड जो अमीर मुआविया का पीरियड था, उसके बाद भी, उनके बाद भी छोड़ दो, तो जो स्टार्ट हुआ ना सिस्टम, उसके बाद भी जो भी खलीफा बनता था, चाहे वो अब्बासिद में हो, उमैयद में हो, इवन लेटन और ओटोमन एम्पायर और ममलूक्स में हो, सबके ना, अब जो भी पढ़ेगा आप देखोगे कि उनके इस्लाम की बात हो रही है। उनका जो बहुत फोकस होता था ना, जो स्कॉलर्स का, जो बायोग्राफीज लिखते थे, जो हिस्ट्रीज लिखते थे, वो कहते थे कि ये सर्टेन पर्सन, इसने जैसे उनके बारे में आता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सलाउद्दीन अयूबी के बारे में, कि उन्होंने लाइक 13 और 12 और 13 ईयर सिर्फ फजर की नमाज जमात से छोड़ी ही नहीं थी। ठीक है, अब खलीफा के बारे में बात आता है कि वो लर्न्ड स्कॉलर्स थे, उनको हदीत इतनी मेमोराइज थी, उनको कुरान ऐसे मेमोराइज था, वो फिक जुरिस्प्रूडेंस के वो एक्सपर्ट्स थे, इस तरीके की बात आती हैं। और जो हमारे लास्ट 40-50 ईयर्स में जो भी दो चार मुसलमानों ने काम किया, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने भी काम किया, उनके इस्लाम की कभी बात ही नहीं होती है। बस बहुत छोटी बात आ जाती है कि यार बंदा बस फजर में उठ के दुआ कर दिया करता था, या नमाज पढ़ लिया करता था। वो भी रेयरली आ जाता है जब डिफेंड करने की बात आती है, जब कोई क्रिटिसाइज करता है उस बंदे को, और फिर जब डिफेंस की बात आती है तब हम वैसी वाली बात करते हैं। बट ऑन जनरल इस्लाम की किसी के बारे में बात ही नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई सिस्टम हमने क्रिएट ही नहीं किया है लास्ट 50 20 50 ईयर्स में, कि जिस सिस्टम के जरिए ना सिस्टम जनरेटेड मुस्लिम कौम पॉपुलेशन बाहर आई हो, और जो वाकई में किसी ऐसे काम में लगी हो ना, जो जो हम प्राउडली कह सके कि यार कि मुसलमान ऐसे काम कर रहे हैं, है ना। और ऑन द कॉन्ट्ररी, उल्टे हमने ऐसे लोग जनरेट किए हैं जो अगर कुछ टाइम के लिए हमने और छोड़ दिया ना, तो दुनिया में डबल केओस आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। अब इसमें आप देख लो कि बात कर लो उन स्टेट्स की जिन स्टेट्स में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, मैं चलो उनकी बात करते हैं, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते ना। ढंग की यहाँ पर एक कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और ना वहाँ पर कोई ऐसा, चलो यूनिवर्सिटी की भी मैं बात कर देता हूँ कि छोटी मोटी हैं भी जहाँ पर लड़के पढ़ सकते हैं, बट सिस्टर्स के लिए कोई ऐसी डेडिकेटेड यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि लाइक वाकई में मुसलमान बहुत यहाँ पर गरीब है, ऐसा कोई केस है नहीं। अगर आप देखोगे तो देर आर सर्टेन स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट की यू यू विल फाइंड कि यार इतना दे आर सो रिच, इतने पैसे वाले हैं कि उनकी 7-8 जनरेशन ना बहुत आराम से बिना किसी काम करते हुए खाएंगी, और बट वो पैसा जा कहाँ रहा है किसी को नहीं पता। थोड़ा बहुत आप रिसर्च करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि क्या करना है। और इसका इसका रीज़न उन 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 लोगों के अंदर ये सोच ना होने का, और ये सॉर्ट ऑफ विजन ना होने का एक रीज़न ये भी, यही ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हमने लाइक लिटरली इंडिविजुअल लेवल पर अपनी पर्सनालिटी को ना उस तरीके से देखना शुरू ही नहीं किया जिस तरीके से सहाबा देखा करते थे। सहाबा तो चलो बहुत ही इलीट पर्सनालिटी हो गई, अगर उनके बाद भी हम ना उनके 4 5 6 7 जनरेशन बाद, लाइक सेवन सेवन सेंचुरी ऑफ हिजरा की हम बात करें ना, 8th सेंचुरी हिजरा की बात करें, तो भी ऐसे ऐसे स्कॉलर्स रहे ना इवन हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में यहाँ पर, कि आप अगर पढ़ोगे तो आप बोलोगे कि यार ये लोग तो मतलब कंपेयर करने लगोगे आप वाकई में सहाबा लेवल के एट्रीब्यूट्स हैं लोगों के अंदर। 80 70 80% कैरेक्टर्स उनके उनके बिहेवियर्स, उनके बात करने का तरीका, और उनके जो कंसर्न थे ना, वो सहाबा से मिलते थे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, वो वाले कंसर्न भी हमारे अंदर नहीं है, और वो क्यों नहीं है, क्योंकि हमने लाइक इस्लाम को लर्न करना, अगर हम उस पिछले टाइम की भी बात करें, आज की भी हम बात करें, तो लर्न करना हमने बस सोच लिया कि हम दो चार स्क्रॉलिंग हदीत यहाँ वहाँ पढ़ लेते हैं तो वही इस्लाम हो जाता है, हमें समझ जाते हैं कि बस बस वही काम हो गया। ये चीज़ें ना आपको सी, अगर हदीत याद करना, कोई आयतें याद करना, वो सब याद करना एक डिफरेंट एक मैटर है ऑल टुगेदर। अगर आपको सहाबा की और अल्लाह के रसूल की सोच से आप वाकिफ नहीं होगे ना, तो कंसर्न ऑफ उम्मा आएगा ही नहीं। ठीक है, जो जो कंसर्न और जो जो सॉर्ट ऑफ विजन चाहिए होगा ना हमें कम्युनिटी को, अपनी मुस्लिम उम्मा को, जो लिटरली इस टाइम पर केओस में है, इस इन द वर्ड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो बहुत गलत नहीं होगा। और हमने अगर अभी भी चेंज नहीं करना, इसको अपने आप को बदलना स्टार्ट नहीं किया ना, तो फ्यूचर हमारा बहुत डार्क है, इंडिया में तो और भी ज़्यादा डार्क है, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हम लोग पता नहीं वेट किसका कर रहे हैं, मतलब हम खुद से कुछ करना क्यों नहीं स्टार्ट करते। मैंने अब आई मीन लाइक मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इंस्टाग्राम से ही ज्वाइन किया है तो पता होगा मैं 1-to-1 काउंसलिंग बहुत टाइम से कर रहा हूँ, और वो करते करते ना बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है लाइक 1-to-1 कॉल में,
और दे आर जेन्युइनली वरीड यार कि कुछ करना चाहिए, कि वो इंडिविजुअल लेवल पर करना चाहते हैं, अपने घर से स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी जो फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव्स हैं या लोकेलिटी है वहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो करना चाहते हैं उनको प्रॉपर स्टेप्स नहीं पता है। अब कहीं जाते हैं किसी यूट्यूब पर किसी लेक्चरर को, मोटिवेशनल स्पीकर या मुस्लिम स्कॉलर को सुनने जाते हैं, तो वो लोग बस वही बात करते हैं कि तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए, आपके अंदर ऐसा करेक्टर होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए, साहबा ऐसे थे, साहबा वैसे थे। ठीक है यार, आई मीन आई वी नो, आई मीन हम में से आई थिंक एवरीबडी नोज कि साहबा कैसे थे। कोई भी बात करेगा, अब सिर्फ नाम ले लो अबू बकर का, भले लाइफ स्टाइल ना पड़ी हो लेकिन सबको पता चल जाएगा हाँ यार अबू बकर रजी अल्लाह ऐसे थे। लेकिन अब सिर्फ यही पता चलेगा ना, ये कोई बात ही नहीं करता कि वो चेंज लाना कैसे है। लाइक रियली सीरियस नोट, मैंने बहुत यूट्यूब वीडियोज देखी हैं। आई लाइक मैंने पढ़ना अभी 3-4 साल पहले स्टार्ट किया है, सीरियस ऑन वेरी लाइक बहुत ही डेडिकेटली और सीरियसली, लेकिन उसके पहले मैंने बहुत यूट्यूब वीडियोज देखे और अभी भी देख लेता हूँ मैं बहुत सारे लोगों की। जितने भी लोग बात करते हैं ना, सब बात करते हैं हदीत कोट कर देते हैं, यार वो ऐसे थे, यार वो तो माशाल्लाह खालिद बिन वदील तो ऐसे, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु तो ऐसे थे, उमर रजी अल्लाह अन्हु ऐसे थे, लेकिन कोई बात ही नहीं करता कि अपने अंदर वो कैरेक्टर कैसे लाएं। ठीक है, वो एक स्टेप है। जब आप स्कूल में जाते हो, नर्सरी में जाते हो, ABCD भी सीखते हो ना, उसका भी एक 2 साल का पूरा प्रोसीजर होता है, पूरा प्रोसेस होता है। यू वी गेट टू लर्न थिंग्स वाया लाइक सॉर्ट ऑफ देयर इज अ सिलेबस स्ट्रक्चर, पूरी पूरी लिटरली बिलियन डॉलर इंडस्ट्री चल रही है इन चीज़ों को ट्रेन करने में, लर्न करने में, और हम लोग हैं कि मतलब इस बारे में बात ही नहीं करते, इतना कैजुअल लेते हैं चीज़ों को। इनफैक्ट अगर किसी को बोला जाता है कि यार आप कुरान पढ़ना शुरू कर दो या आप तफसीर पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो उस पर और उल्टा कमेंट आने लगता है कि यार कैसी बातें कर रहे हो आप, बंदा बहक जाएगा, उसको कुछ समझ ही नहीं आने वाला है, वो भटक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो रोक क्यों रहे, उसको पढ़ने दो ना, गो लाइक रीडिंग इज लाइक ना पढ़ना ये सोल्यूशन नहीं है इसका कि वो बंदा भटक जाएगा। इसके तरीके हो सकते हैं, आप उसको बोलो पढ़ना स्टार्ट करो, और पढ़ने के बाद फिर देर आर अदर मीन्स दैट वी कैन टेक, वी विल इंशाल्लाह डिस्कस। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये जो मुझे जनरली बात करनी थी, लाइक प्रॉब्लम का तो मैं बस कॉन्टेक्स्ट दे रहा था, मेन तो मुझे बात करनी सोल्यूशन पर है ना, कि इंडिविजुअल लेवल पर करना क्या है। प्रॉब्लम बस मैं ये इसका कॉन्टेक्स्ट दे रहा था कि किस टाइप की हम इश्यूज से इस टाइम पर वाबस्ता हैं, वाकिफ हैं, क्या चल रहे हैं। और ऑनेस्टली अगर आप देखोगे तो ज़्यादा नहीं देखना है, बस आपको लास्ट 5-10 ईयर्स का डेटा उठा के देखना है मुसलमानों के बारे में, आपको समझ में आ जाएगा कि वेयर वी स्टैंड इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। और बहुत लाइक अल्लाह ना करे मतलब ऐसा हो, मतलब बेशक ये दुआ है कि अल्लाह ना करे कि ऐसे बुरा वक्त आए, लेकिन लिटरली बस हम खड़े हैं उस कगार पर कि कभी भी हमारे ऊपर बहुत बुरी कंडीशन आ सकती है। और दैट टू इन अ कंट्री वेयर वी आर लाइक 30, 50, 40 करोड़ मुस्लिम्स हैं इस इंडिया में, और अगर आप इसका वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडेक्स चेक करोगे तो वी आर लाइक द बिगेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में रिजाइड करती है। बांग्लादेश पाकिस्तान को हटा दो, साइड में करो उनको, उनको हटा के मैं इंडिया की पॉपुलेशन बता रहा हूँ, उसके बावजूद भी मतलब इन 40-50 करोड़ में हम मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है जहाँ पर कुछ कंक्रीट हो रहा हो, और जहाँ पर मुसलमान लाइक लिटरली कम्युनिटी एक साथ मिल के कुछ ऐसे काम करना चाह रही हो जो आगे हमारा फ्यूचर को, हमारे आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको सिक्योर कर सके, उनका ईमान भी, उनकी लाइफ भी, उनका सब कुछ। ठीक है, तो द पॉइंट ऑफ डिस्कशन विल बी दिस ओनली कि हम इंडिविजुअल लेवल पर, दो पॉइंट लाइक आई सेड अर्लियर, दो पॉइंट, पहला होगा इंडिविजुअल लेवल पर अपना पर्सनल नोट कि हम डेली क्या करें, और करना पड़ेगा। सी आप इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या फेसबुक पे एक पोस्ट और एक स्टोरी शेयर करके ना, यू कैन नॉट रन अवे। ठीक है, ये लाइक अपनी जिम्मेदारियों से ना भागना है, ये उसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, डेली जिस तरीके से आप जब हाई स्कूल और ट्वेल्थ का एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे थे ना आप, या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की आप अच्छी यूनिवर्सिटी में थे उसमें पढ़ाई करने के लिए जिस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे थे और प्रॉब्लम थी, वैसी ही स्टडीज और एजुकेशन आपको, वैसी ही डेडिकेशन यहाँ पर भी चाहिए। ठीक है, एक एक लिटरली सेम डेडिकेशन चाहिए होगी यहाँ पर भी आपको। तो वक्त प्रॉपर देना पड़ेगा, ठीक है, सब लोगों को, और बिल्कुल वैसे ही वक्त देना पड़ेगा उसी सीरियसनेस और उसी डेडिकेशन के साथ जैसा हम इस वर्ल्डली एजुकेशन के लिए करते हैं। ठीक है, और इस वर्ल्डली एजुकेशन के लिए तो हम इतना देते हैं जबकि हमें कोई लाइक कोई श्योरिटी ही नहीं है कि यार वाकई में हमें जॉब मिल जाएगी या हमारा वाकई में बहुत बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, या कोई है दे सकता है इस बात की गारंटी तो बता दे मुझे कि हाँ कि वो इस बात की गारंटी देता है कि मैंने ये पढ़ लिया तो मेरे पे वारे न्यारे हो जाएंगे और मुझे दुनिया की सबसे अच्छी जॉब मिल जाएगी, मेरी सैलरी करोड़ों में होगी, एंड दिस एंड दैट। ठीक
ठीक है, वो 40 साल के स्ट्रगल के बाद समझ में आता है कि यार अच्छा मैंने अच्छा किया था गलत किया था, शुरू शुरू में तो समझ में नहीं आता था। एक वो लाइफ जिसके बारे में हम सबको आई थिंक पूरा यकीन है, आई डोंट थिंक कि हमें कोई इसमें डाउट में होगा कि अल्लाह के रसूल ने जो बता दिया कि आखिरत हक है। पहले 13 साल मक्कन पीरियड को उठा के पढ़ेगा ना तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सिर्फ दो तीन चीज़ों की बस बात करते थे, ठीक है, तौहीद इन एवरी फॉर्म ऑफ इट एंड देन आखिरा आखिरा आखिरा, द डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ जजमेंट, यौमिद्दीन। इसकी बहुत एक्सटेंसिव जितनी मोस्टली आयतें जो इस बारे में डिस्कस करती है ना वो मक्कन पीरियड में उतरी थी। इतनी डिटेल में बात हुई इस बारे में, और हदीस जो हैं तो उनको तो आप छोड़ ही दो कितनी ज़्यादा डिटेल में। उसके बारे में हम लाइक ऑन लाइक रियली सीरियस नोट हम 24 घंटे में से 1 घंटा भी सीरियसली नहीं देते हैं, और हमें लगता है कि हम मैं जानता हूँ, इनफैक्ट मैंने भी कभी कभी किया है तो मैं बता रहा हूँ इसलिए कि जो कुछ थोड़ा बहुत हमारा एफर्ट है वो हम करते क्या हैं। हमने कोई काम कर रहे हैं अपना उसका लाइक कुछ अपना जॉब कर रहे हैं या कोई घर का काम कर रहे हैं, हमने यूट्यूब वीडियोस लगा के छोड़ दी और सुन लिया, दैट्स इट। सुनना इज नॉट लाइक रॉन्ग, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि मतलब मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग ना सुन सको, मैं पॉइंट इज कि हम सुन के फिर उसको समझ लेते हैं, बस दैट्स इट, बस अब तो हो गया, मतलब हमारी ड्यूटी कंप्लीट हो गई, अब हमें और कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो एटीट्यूड है ना और ये जो अपनी जिम्मेदारी से भागना, इसमें मेजर और मेन प्रॉब्लम है। तो इससे बचने के लिए इंडिविजुअल लेवल पर क्या करना पड़ेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग होगी अनलाइक रियली सीरियसली लाइक वे ऑन वेरी सीरियस नोट किताब पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, अब आज से 20-30 साल पहले किताबें पढ़ना मुश्किल था क्योंकि प्रिंटिंग प्रेसेस, या 50 साल पहले की बात करें तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, बुक इतनी ज़्यादा आम नहीं थी, बहुत महंगी हुआ करती थी ढूंढने में, या थी भी तो लोगों के पास इतनी इतनी इतना इजी एक्सेस नहीं था जितना आज के वक्त में है। ठीक है, तो वाकई में बुक्स पढ़ना पर स्टार्ट करो, और बुक्स यहाँ वहाँ से नहीं स्टार्ट करना, आप जो कुछ जो भी पढ़ रहा है, आप कुरान की रिसिटेशन वगैरह कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें, अल्लाह के रसूल की सीरा जरूर पढ़ें। अगर आपने अल्लाह के रसूल की सीरा नहीं पढ़ी है, बायोग्राफी नहीं पढ़ी है, तो आपको ना ही अल्लाह के रसूल की जो जो वो मकसद था ना, जो उनका विजन था, जो पर्पस था ना, वो समझ में आना है, और ना ही कम्युनिटी के लिए सीरियसनेस आनी है। ठीक है, ये सीरियसनेस ना सिर्फ महदूद रह जाएगी यूट्यूब वीडियोज़ और सोशल मीडिया के पोस्ट तक, आई एम लाइक बहुत सीरियसली मैं बता रहा हूँ। मैं 3-4 साल पहले तक जब मैंने सीरियसली बुक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था, जब मैं उससे पहले भी पढ़ता था मैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं इतना कॉन्शियस नहीं था, मैंने तब उसके पहले ना अल्लाह के रसूल की सीरा पढ़ी थी और ना मैंने खुलफ़ा राशिदीन यानी सहाबा को पढ़ा था सही से क्या मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो उसके पहले भी ऐसा नहीं कि मैं डिबेट्स नहीं करता था दोस्तों के बीच में, दोस्तों बहस अभी होने लगे ना तो हम सब लग जाएंगे कि किसी बारे में कि रफादैन का क्या मसला है, या मज़ार पे जाना, या शिया सुन्नी के जो मसले हैं, और किसी स्कॉलर को क्रिटिसाइज़ करना जो लेक्चर्स वगैरह देते रहते हैं, तो हम सब उसमें PhD हो रखी है, उस बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जब बात पढ़ने की आती है, जो एक्चुअल इल्म की बात आती है ना, तो उस बारे में बिल्कुल ठंडे रहते हैं हम कोई सीरियसनेस ही नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जब मैंने सीरा पढ़ना स्टार्ट किया ना, जब मैंने वाकई में जब मैं सहाबा के की सोच से, जब उनकी सिर्फ उनके खुतबात आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि ये लोग तो लगता है मतलब 10,000 साल आगे की बात कर रहे थे, 10,000 साल आगे का फ्यूचर देख रहे थे। सो स्टार्ट विद सीरा, सीरा पढ़ना इतना ज़रूरी है ना, बिना सीरा के आपके अंदर वो सीरियसनेस और वो विजन है ना जो जो चाहिए इस टाइम पर हमें, जो द थिंग दैट लाइक द थिंग्स दैट वी रियली नीड एट द टाइम, डिफरेंट जगहों पर जो मसले चल रहे हैं ना, बिना उस जील के ना, उस फायर के आ ही नहीं सकते हैं जो फायर क्रिएट होती है आपके अंदर अल्लाह के रसूल की बायोग्राफी सीरा पढ़ने से और सहाबा को पढ़ने से। ठीक है, अब आप यहाँ वहाँ से आप हदीत पढ़ लेंगे कि उमर रजी अल्लाह उन्हों ऐसे थे, अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह उन्हों ऐसे थे, हसन हुसैन के, आप इवन वाकियात को पढ़ लेंगे, करबला का वाकया सबको मतलब ऐसा है कि लोग उस टाइम पे रो दिया करते थे सुन के, इनफैक्ट अभी भी अगर कोई वैसे बात करता है तो आदमी इमोशनल हो जाता है, लेकिन हमें सिर्फ पता है कि ये हुआ था, हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि वो क्या किस रीजन से हुआ था, क्या चल रहा था, क्या सिचुएशन थी, हसन हुसैन रजी अल्लाह उन्हों क्या कर रहे थे, ठीक है, क्या मिशन था, क्या मुस्लिम किस टाइप की प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी और किस बात के लिए उन्होंने रिवोल्ट किया था, ये सब चीज़ें हमें हम वाकिफ ही नहीं इन चीज़ों से। ठीक है, उसके पहले 30 ईयर्स पीरियड ऑफ खुलफा राशिदीन था, हमें उसके बारे में जीरो नॉलेज है, हमें बस अल्लाह के रसूल के की जब सीरा की हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि बस दो चार इवेंट्स याद हो गए, दो चार बैटल्स के नाम याद हो गए, 10-12 हदीस याद हो गई ऐसे उर्दू में, तो हमको लगता है दैट्स इट, बस यही हमारा बेड़ा पार कर देगा ये चीज़ें।
कर देगा, उनका कर देगा जिनको अल्लाह ने इतना शऊर नहीं दिया है कि वो इस बारे में बात कर सके कि मुस्लिम उम्मा के कंसर्न्स क्या है। अदरवाइज़ अल्लाह ने जब कुरान में कह दिया ना, यू आर द बेस्ट ऑफ पीपल दैट हैव बीन रेज राइट फॉर कमांडिंग गुड एंड फॉरबिडिंग इविल, ऑल सॉर्ट्स ऑफ गुड एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इविल, जितनी भी तरीके की अच्छाइयाँ हैं आप उन वो करने के लिए लोगों को बोलोगे और जितनी तरीके की बुराइयाँ हैं आप उनसे लोगों को रोकोगे। ये जनरल स्टेटमेंट थी, ठीक है। अब इसके के लिए कोई अगर पढ़ेगा और सीरत अल्लाह के रसूल की तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ये उनके लिए भी एक तरीके से अप्लीकेबल नहीं हो पाएगी जो लोग के अंदर इतनी कॉन्शियसनेस ही नहीं डाली अल्लाह ने, जिनको इतनी समझ ही नहीं है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं, जिनके बारे में जिनको इतनी सोच ही नहीं आती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम लोग जो अपने आप को माशाल्लाह ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दुनिया भर का इल्म हासिल करके बैठे हैं और इंग्लिश में बात करने के लिए तो इट्स लाइक इंग्लिश इज़ लाइक वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर एन एजुकेटेड पर्सन नाउ डेज राइट, तो हम बात करने में कोई कसर नहीं हासिल होती है। लेकिन जब बात आती है एक्चुअली कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आए, कुछ लाइक रियल एक्चुअल चेंजेस आए सोसाइटी में, कम्युनिटी में, हमारे अंदर इंडिविजुअल सेल्फ के अंदर, तो उस बारे में हमारे स्टेप्स बहुत बहुत स्लगिश हैं या ना के बराबर, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, ठीक है। आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखेंगे, किसी के लेक्चर्स देखेंगे, चाहे आप वो इवन सीरा भी देखें, सीरा से रिलेटेड लेक्चर्स या किसी कैरेक्टर से किसी साहबा के कैरेक्टर से रिलेटेड आप लेक्चर्स देखें, तो लेक्चर्स ना आपको इल्म देगा, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देगा, नॉलेज नहीं देगा, क्योंकि उस पर ना अमल करना बहुत ही लाइक कॉन्शियसली जो 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 साइकोलॉजी कहती है ना, वो कहती है उस पर अमल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। देर आर पीपल जो लोग कर लेते हैं अमल उन बातों पर, ऐसी बात नहीं है कि लोग करते ही नहीं है, बट इन जनरल बहुत ही वो लाइक 100 में से 2% 5% लोग कर पाएंगे उन बातों पर अमल, है ना। आपके अंदर वो जो फायर होती है ना, जो क्रिएट होती है पढ़ के स्टोरी समझ के, वो वीडियोस देख के नहीं आएगी। इवन अगर आप लाइव खुतबात में भी अवेलेबल होंगे ना, तो आप घर जाके भूल जाएंगे। इसको बोला जाता है मेमोरी एंकर सॉर्ट ऑफ बोला जाता है, एसोसिएटिव सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं इसको साइकोलॉजी में। तो लेकिन जब आप क्योंकि लेक्चर में 50 तरीके की बात होती हैं, स्कॉलर कोई बात कर रहे हैं तो वो कोई हदीत कोट करते हैं, टॉपिक कोई और है, कोई बात कर रहे हैं, बात करते करते वो 10 बातें और अलग से बता देते हैं, तो पता नहीं दिमाग में कौन सी बात रह जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो टॉपिक आप जिस टॉपिक पे एक्चुअली बात हो रही है, जिस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक से रिलेटेड पता लगा आपने कुछ लिया ही नहीं और बाकी चीज़ें दो चार यहाँ वहाँ की बातें रह गई। ऑन द कॉन्ट्रेरी जब आप किताब वगैरह का मुताला करते हैं तो यू हैव दी पावर एबिलिटी वो देती है आपको, कोई आपने ऐसी वर्ड्स पढ़ी, आपने कोई ऐसी हदीत पढ़ी, आपने कोई ऐसा कमेंट पढ़ा किसी राइटर का, जिस राइटर की आप सीरा या बुक पढ़ रहे हैं, आपको वहाँ पर फुल अथॉरिटी, आपने वहाँ पर पॉज किया, रुक के आप वहाँ पर आपने खुद सोचा उसके बारे में, पॉन्डर किया, उसके बाद आपने अब रिसर्च कर लो उसके बारे में, जितनी भी आपको रिसर्च करनी है। मैं एक एक आपको बताता हूँ, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के बारे में, जब वो स्टडी कर रहे थे ना अपने अर्ली पीरियड में, जब वो अपने एडल्टहुड में थे और पढ़ाई कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि मैं जब एक वर्स पढ़ता था ना, एक वर्स के मैं से रिलेटेड मैं जिस 100 हदीत पढ़ता था कम से कम, कि इस वर्स का मतलब क्या है, ठीक है। और अब देख लो आप हमारी कंडीशन क्या है इस मामले में, हम तो वर्स की तो चलो हदीस के बाद छोड़ दो, उस पर तो हम तो नॉर्मल किताबें भी हम छूना नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। तो ऑन लाइक इंडिविजुअल लेवल, हमारे पर्सनल लेवल पर सीरियसली ऑन लाइक आप लोग सच में किताब पढ़ना स्टार्ट करो। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी आप इधर उधर किताबें पढ़ रहे हो ना, जो भी वेस्टर्न राइटर्स की इन सब चीज़ों से रिलेटेड, आई लाइक रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टॉप दैट राइट अवे। आप सीरा से स्टार्ट करें अल्लाह के रसूल की बायोग्राफी से, और आप दो तीन सीरा पढ़ें, आप एक सीरा पढ़ें, चलो मैं बताता हूँ नाम इसका कहाँ है, रखी थी यहीं पर कहीं, सीरतुल नबी भाई अल्लामा शिबली नुमानी, और इसको सैयद सुलेमान नदवी साहब ने इसकी 5 वॉल्यूम लिखी है, ठीक है। आप इस वाली बुक से स्टार्ट करो और 5 वॉल्यूम में पढ़ने के बाद फिर मुझसे बात करना कि आपके दिमाग में अब क्या है, अल्लाह के रसूल का पर्सपेक्टिव क्या है। इस किताब की 1 वॉल्यूम में ना सिर्फ अल्लाह के रसूल के कैरेक्टर के बारे में बात की गई है कि अल्लाह के रसूल थे कौन, एज अ पर्सनैलिटी, ठीक है, जो रहमतुल्लिल आलमीन उनको बोला जाता है ना, वो ऐसे नहीं बोला जाता है। देयर इज लाइक उन 30 साल के पीरियड में ना बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो उनको वो टाइटल देता है अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी लिटरली 1 वॉल्यूम डेडिकेटेड है इस बात पर कि अल्लाह के रसूल का कैरेक्टर कैसा था। 1 वॉल्यूम इस बात इस बुक का 1st वॉल्यूम डेडिकेटेड सिर्फ इस बात पर कि हदीत को देखना कैसे है, ठीक है, हाउ टू लुक एट हदीत। और सिर्फ इसमें ये बात नहीं कर रहे हैं, मतलब शिबली नुमानी साहब अल्लामा साहब सिर्फ ये बात नहीं करते हैं कि यार अपने व्यू की बात नहीं करते हैं, ये इवन इन्होंने कोट किया है कि जब अम्मा आयशा के पास कोई हदीत आती थी
जब इब्न अब्बास कोई हदीत ले आते थे या और उमर अली रजी अल्लाह उनके पास से कोई हदीत आती थी या उनके पास कोई हदीत लेके जाता था, तो वो लोग कैसे जज करते थे, क्या पैरामीटर्स थे उनके? इतनी अमेजिंग बुक है ना ये कि लाइक आप पढ़ के खुद ही फील करोगे कि क्या है। इसके बाद इसके स्टार्ट करने के बाद आप दो तीन दो डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की और सीरा बुक पढ़ें, आपके अंदर ना इतनी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आएगी ना, आपको खुदा अल्लाह का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको सहाबा के बारे में वहाँ पता होगा कि अल्लाह के रसूल के अराउंड सहाबा कैसे बिहेव करते थे डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज में, है ना, गिवन कंडीशन, अल्लाह के रसूल की ट्रेनिंग कैसे कर रहे थे, अल्लाह के रसूल के ऊपर वही कैसे आती थी और चीज़ों को अल्लाह के रसूल किन किन लोगों को किस किस तरीके से कैसे कैसे एक्सप्लेन कर रहे थे डिफरेंट सिनारियोज में। ठीक है, आप लोगों ने सब हदीस सुनी होगी क्योंकि लाइक डिफरेंट हदीत है, आई थिंक 5 या 10 मिल जाएंगे, आई थिंक उससे भी ज़्यादा होंगी। जब कोई शख्स इंडिविजुअली आके पूछता है अल्लाह के रसूल की ऐसा कौन सा अमल है जो सबसे बेहतरीन है, और आप लाइक एवरीबडी विल एग्री कि इस पर डिफरेंट डिफरेंट आंसर है अल्लाह के रसूल के डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर। तो जब आप उन जो सहाबा यह सवाल आके पूछा करते थे ना, जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा अल्लाह के रसूल के आंसर्स ऐसे नहीं थे, बहुत ही जज्ड और बहुत ही मेजर्ड आंसर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों से ये क्लियर होगा। उसके बाद जब आपने दो तीन सीरा पढ़ ली है, तो आई अगेन रिक्वेस्ट टू लाइक स्पेशली भाइयों को कि आप लोग खुलफ़ाए राशिदीन को ज़रूर पढ़ें। अगर आपने सहाबा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और तलहा रज़ी अल्लाह अनहु और हसन हुसैन को आपको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया, रज़ी अल्लाह अनहु, खालिद बिन वलीद को पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया है, एटलीस्ट खुलफ़ाए राशिदीन को आप पढ़ें। मैं बाई एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि ये आपको अंदर से ऐसी चेंज करेगी ना कि उनको शब्दों में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। बहुत ही सीरियस नोट पे मैं बता रहा हूँ। आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो यू विल फील लाइक जब आपने किसी दो को भी पढ़ लिया ना, यू विल सी द चेंजेस इन योर बिहेवियर, इन योर डेली लाइफ चेंजेस अपियर होकर आना शुरू होंगे। ठीक है, इनको पढ़ने का फायदा ही है। ऑन द कॉन्ट्रेरी कोई लाइक आप लेक्चर सुन के आ जाओ किसी के, मैंने देखा हुआ है जो मेरे यहाँ कुछ फ्रेंड्स सुनते हैं, ऐसा नहीं कि उनके अंदर कोई चेंज नहीं आया, माशाल्लाह दे हैव उनकी कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं हमारी हमारी लाइफ जो हमने साथ में स्टार्ट किया था, उनकी नमाज़ें कभी नहीं छूटी हैं। बट जब और विजन की बात आती है, जब पर्पस की बात आती है, जब कि कोई बंदे को अल्लाह ने इतना इंटेलेक्ट दिया है, इतनी कॉन्शियसनेस दी है, इतनी समझदारी दी है और वो सही से यूज़ ना हो पाए, तो आई फील लाइक यार यही रीज़न है कि जो हमारा जवाल यहाँ तक आ गया है कि हम हर जगह से पिट रहे हैं। उन कंट्रीज़ में जहाँ पर हमारी पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, वहाँ पर भी मुसलमानों की उन मुसलमानों की हालत क्या सबकी खस्ता है वैसे तो, बट उन मुसलमानों की स्पेशली खस्ता है जो रिलीजियस तबका है, और देख लो उसका उसका रिज़ल्ट सबके सामने है। तो इंडिविजुअल लेवल पर आप दो तीन काम करें सीरियसली, आप बुक स्टार्ट करना पड़े पढ़ना स्टार्ट करें, और इसके स्टेप्स में बता देता हूँ, आप सीरियसली सीरा स्टार्ट करें और खुलफ़ाए राशिदीन पढ़ें। सिस्टर्स को मैंडेटरी है, अगर आपने फ़ातिमा को नहीं पढ़ाना, अगर आपने उम्मातुल मोमिनीन आयशा और ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, ज़ैनब बिन जहश को नहीं पढ़ा, अस्मा बिन अबू बकर को नहीं पढ़ा, तो पता नहीं आप लोग इस्लाम सीख कैसे नहीं। आई एम सॉरी मैं ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ बहुत ही रूड वाले, बट सीरियसली आप लोगों ने फिर इस्लाम को, चार हदीत नहीं है इस्लाम सिर्फ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप कम से कम इनकी आपने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का एक एक महीना एक दिन तो पढ़ के देखें कि वो कैसे कैसे लाइफ गुजारती थी। ठीक है, अब मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूँ, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो इसको होता क्या है। हम इस्लामिक लाइक हम सहाबा और अल्लाह के रसूल की सीरा नहीं पढ़ी, हमने सहाबा नहीं पढ़े, हमने सहाबियात नहीं पढ़ी, और ऑन ऑन लाइक ऑन टॉप ऑफ दैट हम ये काम तो कर नहीं रहे, उसके अलावा हम इस पर खाद डाल रहे हैं कौन सी टीवी सीरीज़ की, मूवीज़ की, पाकिस्तानी ड्रामा, इंडियन ड्रामा, और ये जितना दुनिया भर का गंदा है, ठीक है, हम सब उन पर लगे रहते हैं। और इससे होता क्या है, इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई मसले आते हैं ना, चाहे वो लड़कों के लिए कोई इंडिविजुअल मसला हो, घर पे उठता है किसी भी तरीके का, शादी से पहले, शादी के बाद, एडल्टहुड में, एजुकेशन से रिलेटेड, तो जो हमारे डिसीजन होते हैं ना, वो डिसीजन ड्राइव होते हैं इन्हीं मूवी सीरीज से, इन्हीं टीवी सीरियल से। हमने देखा होगा वहाँ पर सलमान खान को कोई काम करते हुए, इसलिए हमारे डिसीजन ऐसे ड्राइव हो रहे हैं कि यार उस बंदे ने उस फिल्म में ना ऐसा काम किया था, हम आपके अकाउंट में, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपने सहाबा और अल्लाह के रसूल को की सीरा पढ़ी होगी, सहाबा को पढ़ा होगा और सहाबियात को पढ़ा होगा, कि तो आपकी अगर किसी सिस्टर की सास है कोई उल्टा बिहेव करती है, या जो घर पे और भी डिफरेंट तरीके के मसाल होते हैं, अब्बा कुछ अलग तरीके से कहते हैं, तो यू विल गेट टू सी कि यार सहाबियात फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा क्या सोचती इस मौके पर, है ना, अम्मा आयशा कैसा सोचा करती थी जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा को इनको बात बोला करते थे, तो है ना, अस्मा बिन अबू बकर का थॉट प्रोसेस क्या था। जब आप उनको पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में वही वाले रिस्पॉन्सेज और कैरेक्टर्स आएंगे जो आपको वहाँ पर एक
अपर हैंड देंगे, ठीक है। अब आप सीरियल्स की, मूवीज की, टीवी सीरीज की और उल्टी सीधी चीजों के वहां पर रिस्पॉन्सेज देंगे ना, तो वो एजिटेशन ही होगी सामने वालों को, फिर आपको भी, और प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि यार ये मैंने बात का बस पतंगड़ बन गया है, यहाँ पर हुआ कुछ नहीं है, और उससे प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है इन चीजों को। तो ये चीजें आप पढ़ना स्टार्ट करें, इसके बाद फिर आपको खुद ही अल्लाह खुद ही गाइड करेंगे आपको क्या पढ़ना है। मैं आप सीरियसली बता रहा हूँ, तफसीर की इतनी किताबें हैं कि हम बस ट्रांसलेशन में ही खत्म हो जाते हैं, जबकि ट्रांसलेशन आर लाइक क्या कहें उसको, पोरेस्ट वर्जन ऑफ कुरान का जो अरबिक तर्जमा है वो बस उसका एक सॉर्ट ऑफ कह दो हिंदी और उर्दू हो गया। पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, बट अगर आपको उसका कोर और क्रक्स समझना है ना, तो आपको दो तीन तफसीर का मुताला करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सर्टेन वर्सेस का, सर्टेन सूरा का कब उतरी थी, क्या उसका रीजन था, क्या मीनिंग था, ठीक है। आई वॉज इन ऑन अ पॉइंट कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करें, अब आपने कोई बुक पढ़ना स्टार्ट किया है, तो किसी को भी डाउट आता है ना, तो डोंट स्टॉप योर सेल्फ हेयर ओनली, ठीक है। किताब इल्म लेना, अब चलो पहले किताब पर रह जाते हैं, उसके बाद फिर आगे वाला इससे बात करते हैं, जिनको किताब नहीं पढ़ना आता वो क्या करें। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कांटेक्ट में रहें उन सिस्टर्स के, उन मुफ्ती मौलाना लोगों के जो आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। आपको वो ऑनलाइन आजकल सारे बहुत सारे मुफ्ती माशाल्लाह लोग अवेलेबल हैं, जो Q&A करते हैं, क्वेश्चन के आंसर देते हैं, डाउट्स क्लियर करते हैं। आप वो हदीत कोट कर लें, आप वो सेक्शन कोट कर लें, आप उनको भेजें। और इसका अब जब आपने जो चीज़ पढ़ी ना, अब इसका परस्पेक्टिव लेने के लिए आप यूट्यूब वीडियोस देखें, 50 वीडियो यूट्यूब वीडियोस देखें, आपने कोई वर्ड्स पढ़ी, आपने कोई हदीत पढ़ी, आपको हदीत का एक वर्जन मिला, आपको एक परस्पेक्टिव समझ में आया कि अच्छा हदीत से इस वाले उलमा ने ये ड्रॉ किया था, आप उसके अब 10 वर्जन लेने के लिए आप 10 वीडियोस यूट्यूब वीडियोस देख लें, 50 यूट्यूब वीडियोस देख लें, किसने मना किया है। तो आपके अंदर ना एक सर्टेन लाइक एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी कि अच्छा कि इस हदीत को ये सहाबा या ये स्कॉलर ऐसे ट्रीट कर रहे थे, इब्न तैमिया, इब्न अलजौजी, इमाम गजाली रहीमुल्ला ऐसे ट्रीट कर रहे थे, उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने इसका मतलब ये निकाला था, और ख्वाजा गरीब नवाज ने इसका मतलब ये निकाला था, या इस तरीके से जो भी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने इसका जवाब, इसका इस वर्ष का मतलब ये निकाला था। तो आपको वो सारे फिर वो वाले डाउट्स की क्लैरिटी मिल जाएगी, उन वाले वर्सेस की क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये दो तीन स्टेप्स आप यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए, क्रिटिकली पढ़ने के लिए, और ये आपको थिंकर बनाएंगी। कभी भी कोई एक इसमें एडिशनल पॉइंट्स ये है कि जब आप कोई सीरा पढ़ते हैं, तो एक मैं इसलिए दो तीन पढ़ने के लिए बोलता हूँ ना, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, जो एक इवेंट बताता हूँ जो बहुत ही फेमस है, अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, जो बनू सादा का जो कोर्टयार्ड था, या जहाँ पर अंसार सारे लोग, सारे अंसार इकट्ठा हो गए थे, और वहाँ पर खिलाफत की बात होने लगी थी अल्लाह के रसूल की वफ़ात के लाइक राइट अवे, उसी के तुरंत बाद एक तरीके से, तो वहाँ पर जो इवेंट हुआ था ना, मैंने वो पढ़ लिया है, कम से कम 5-6 किताबों में मैंने पढ़ा है, और मैं आपको बता रहा हूँ हर किताब में कुछ ना कुछ नया मिला है उस इवेंट के बारे में, हर किताब में नया वर्जन मिला है मुझे, हर किताब में कुछ चीज़ें ऑफकोर्स कॉमन है, बट कुछ चीज़ें मुझे बहुत ही नए तरीके से, उसमें नए वैरायटी से पढ़ने की मिली है, उसने मुझे बहुत एक डिफरेंट तरीके की सोच दी है। जो अभी मेरी रिसेंटली एक भाई से बात हो रही थी, तो मैं उनको उसका वर्जन बता रहा था, वो शिया थे तो वो बात को समझ नहीं पा रहे थे, तो इस तरीके से आपको ये किताबें हेल्प करती हैं। और अब इसमें बात आती है, कुछ लोग हैं जो बुक्स वगैरह परचेज नहीं कर सकते हैं, और या उन लोगों को पढ़ना नहीं आता है, तो जो लोग परचेज नहीं कर सकते हैं, खरीद नहीं कर सकते हैं, आप बोरो करें, आप उन फ्रेंड से बोरो करें जिनके पास ऑलरेडी है, आप आपस में, आप लोकल में ऐसी कम्युनिटी बना लेना, क्या कितना बड़ा मुश्किल है आज लोकली, जितने भी 50 घर होंगे, 10 घर होंगे आपस में दोस्तों के, फ्रेंड्स होंगे यार 50, उनसे एक ऐसा लोकल ग्रुप बना लेना व्हाट्सएप का, यार जिसके पास जो बुक है ना, हम आपस में एक्सचेंज करेंगे, नहीं जाना हमें इंस्टाग्राम ट्विटर पर 9 लोगों के पास, 1000 लोगों के पास, हमें रीच नहीं चाहिए, हम वी नीड टू जस्ट स्टडी, तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप बना लें और लोगों से एक्सचेंज करें आपस में, पढ़ें और वापस करें एक दूसरे को, है ना। तो इतना मुश्किल नहीं है, बगल में मस्जिदें हैं, मस्जिदों में जाएं, वहाँ उर्दू की मैंने खुद देखा है, मेरी जो घर के पास मस्जिद है, इसमें मारफुल कुरान और तफसीर अल कबीर, पता नहीं कितनी कितनी किताबें रखी हुई हैं, तो पढ़ने वालों के लिए। और अगर आप जाएंगे मस्जिद में बात करके इमाम साहब से कि इमाम साहब मुझे 2 दिन के लिए पढ़ने के लिए चाहिए, 1-10 दिन के लिए चाहिए, तो मना नहीं करेंगे वो, ठीक है, बल्कि मंगवा के देंगे। अगर आप बोलेंगे कि चाहिए बुक और मुझे पढ़ना है, तो वो आपके लिए अरेंज भी कराते हैं, करा देते हैं, माशाल्लाह ऐसे ऐसे लोग हैं। तो बहरहाल आप लोकल कम्युनिटी बनाएं, नोन बंद होगा, ठीक है, नोन बंद होगा, ऐड करने की जरूरत नहीं है कि यार वो कहाँ से लाएगा, कहाँ से देगा, कौन कैसा बंदा है, किसी के बारे में हमें पता नहीं है। तो लोकल कम्युनिटी बनाएं, बुक्स वगैरह एक्सचेंज करने का आपस में, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं परचेज कर सकते हैं, तो आप ऐसे पढ़ना स्टार्ट करें। सेकेंड है, वो जो लोग नहीं, जिनको पढ़ना नहीं आता है, आप लोग मस्जिद में जाएं, इमाम के साथ बैठें, जरूरी नहीं एक ही बंदा आप पकड़ लें, आप वैसे तो उस्ताद होते हैं लोगों के एक ही काफ़ी लंबे पीरियड तक, बट अगर आपको कोई वैसा उस्ताद नहीं मिला, तो आप दो तीन लोगों के मिले, अलग अगल बगल दो तीन मस्जिदें हों, आप ऑनलाइन ढूंढ लें, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं यार उलमा आजकल, बहुत अच्छे अच्छे माशाल्लाह मुफ्ती,
और जब आप पढ़ना स्टार्ट करें तो लाइक इन मुफ्ती उलेमाओं से किसी के व्यू पर ना रिजिड मत हो जाएं कि कोई बंदा कोई बात बोल रहा है ना तो हाँ बस यही हक है, अनलेस कि ऑफ कोर्स दैट इज प्रूवन बाय कुरान एंड सुन्ना, सही हदीस सही सुन्ना से सही हदीस से वो प्रूवन है और कुरान की वर्सेस उस पर पूरी अपनी मुहर लगा रही हैं, तो उसकी कोई बात नहीं। अदरवाइज बाकी चीज़ों पर कीप एन ओपन माइंड, ठीक है, सबसे सीखे। तो आप इन स्कॉलर से पास जाएं जो लोग माशाल्लाह वेल वर्स्ड हैं इन सर्टेन टॉपिक सर्टेन एरियाज, आप उन लोगों से क्वेश्चन करें, उनके साथ बैठें, उनसे सीखें, यही तरीका है सीखने का। और अगर आप नहीं सीखेंगे तो जो प्रॉब्लम आने वाली है ना, जो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जो प्रॉब्लम आने वाली है ना वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब हम तो जितना भी हमारे पास 10% या 5% इस्लाम बचा है ना, हमारे आने वाली जनरेशन में ना 1% बचेगा, इससे बुरा हाल होने वाला है सबका। और इसमें एक जो चीज़ है जो मुझे लगती है कि लोगों के अंदर है मसला, वो ये है कि लोग पता नहीं हम लोग वेट किसका कर रहे हैं। ठीक है, इमाम मेहदी की बात आती है जनरली, हम लोग ऐसा लगता है कि मतलब हम में से कोई कैपेबल भी है ना, लाइक फाइनेंशियली भी और दिमाग से भी माशाल्लाह, इंटेलेक्चुअली भी, तो भी हम कुछ करना नहीं चाहते, लाइक ना हमारे अंदर वो मोटिवेशन है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी है तो भी हम घर पे बस डाल के बेड लगा के बैठ जाते हैं, छोड़ो ना यार कौन करेगा ये वो करके। मतलब मुझे समझ नहीं आता हम लोग वेट किसका कर रहे हैं। अगर आप इमाम महदी का वेट कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको, अगर कोई भी पढ़ेगा ना इमाम महदी का पीरियड, तो वो देखेगा कि इमाम महदी का पीरियड बहुत शॉर्ट है, ठीक है, 10 15 20 जितने भी हैं उसमें जब वो आएंगे ना, तो उनको ना जो जो फोर्स है ना, जो लोगों की उनके पीछे जो फॉलोअर्स हैं उनको तैयार करने में वक्त नहीं लगेगा। इसका मतलब ये होगा कि दैट थॉट प्रोसेस वुड हैव ऑलरेडी बीन देयर, ठीक है, ये थॉट प्रोसेस ऑलरेडी लोगों के पास होगा इसका मतलब, और होगा तभी तो हम उनके साथ चल पाएंगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि लाइक हमको वो काम करने हैं, हमको वो प्रिपरेशन करनी है जो हमें उस टाइम के लिए तैयार कर सके। बहुत बहुत ही सीरियस मैटर है आने वाले टाइम का, और दुनिया के ना, अगर यहाँ पर आपने एक टाइम पर अच्छा खाना नहीं खाया ना तो वो चल जाएगा, लेकिन आखिरत का अगर ज़रा सा भी माइनस में रहेगा ना हमारे पॉइंट्स, तो बहुत ही मसले हो जाने वाले हैं, बहुत ही बड़े मसले हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो कंक्लूडिंग फर्स्ट पॉइंट, आप किताब सब लोग सच में पढ़ना स्टार्ट करें, आप बुक्स ऑन लाइक वेरी सीरियस में पढ़ना स्टार्ट करें और अल्लाह रसूल की सीरत से स्टार्ट करें। कुछ इधर उधर की किताब मत उठाएं, आपको उससे अच्छा पर्सपेक्टिव इस्लाम का और कोई कोई किताब नहीं दे पाएगी। दो तीन किताबें अल्लाह रसूल की सीरत पढ़ें, सहाबा पढ़ें, इंशाल्लाह यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद एक जो पॉइंट था कि लोग इंडिविजुअल लेवल पर कुछ करना चाहते हैं, कि कम्युनिटी लेवल पर जहाँ पे हम जिस घर पे हैं अपने लोकेलिटी में, वहाँ पर ऐसा क्या करें जिसकी वजह से ये चेंजेस आना स्टार्ट हों। तो एक चीज़ ये इसी का वो पॉइंट ये है कि जिन लोगों के अंदर भी इस बात की फिक्र है, कुछ करना चाहते हैं, वैसे तो सबके अंदर होनी चाहिए, बट जो लोग करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये बेसिक इनपुट्स होंगे कि जितना छोटा आप स्टार्ट कर सकते हैं उतना स्मॉल, उतना छोटा स्टार्ट करें। ठीक है, आपके छोटे भाई बहन हैं, आप उनको बिठा के डेली 1 घंटे की क्लास दें, क्लास भी नहीं देना, आप उनके साथ बैठ के पढ़ें, आप बुक खोल के बैठ जाएं, बोल के पढ़ें, जैसे आप कुरान आवाज़ में रिसिटेशन से नहीं पढ़ते, बिल्कुल वैसा आप बुक्स को पढ़ें, बिल्कुल उस तरीके से उनको समझाएं, जो छोटे भाई बहन वहाँ से स्टार्ट करें। उसके बाद आप ये कर सकते हैं, लोकल मैं बताता हूँ एक स्टोरी। मेरे एक रिलेटिव थे, जब मैं आई थिंक आई वॉज इन माई हाई स्कूल 10th वगैरह में था, तो मैं उनके यहाँ जाता था, तो उनके यहाँ एक सिस्टम था, हालांकि वो लोग ऑनेस्टली दीन बहुत कम ही डिस्कस करते थे, सूरह यासीन वगैरह पढ़ के आ जाया करते थे, कुछ सूरह कुरान की पढ़ लिया करते थे, लेकिन एक सिस्टम था जो बहुत बेहतरीन था। उनका सिस्टर्स का लेडीज़ का ग्रुप था, और वो लोग हर थर्सडे को उनके यहाँ, आई थिंक उनके लोकेलिटी में जितने भी घर थे, 20 30 20 30 लोग ना, हर थर्सडे को अल्टरनेट नंबर लगा करता था, आज इनके घर जाना है, आज उनके घर जाना है, और सारी सिस्टर इकट्ठा होकर जाया करती थी वहाँ पर, और 1 घंटे 2 घंटे का वहाँ पर दीन की बातें हुआ करती थी। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों की वहाँ पर लोकेलिटी में हो रहा होगा ये चीज़ें, लेकिन वहाँ पर अगर हो रहा है ना, तो वो लेवल की बातें नहीं हो रही जिस लेवल की बातों की ज़रूरत है। जो मसले हम फेस कर रहे हैं ना, उन मसलों पर बात नहीं होती है, उन मसलों पर हम बात करने से डरते हैं। जैसे बात क्या हुई, मैं आई विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डाउरी का जो 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 सिस्टम है, जो मसला है, उस पर हम बात नहीं करते हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना कि मैं ऑनलाइन इंस्टाग्राम या ट्विटर वगैरह पर ना मैं देखता हूँ कि कोई ऐसी सिस्टर्स होती हैं इनकी शादी हो रही होती है, उनके फादर नहीं है, उनके फादर अनएम्प्लॉयड हैं और कुछ फाइनेंशियल केस है घर पे, उसके बावजूद भी वो लोग फंड रेज किए जा रहे हैं। आई एम नॉट लाइक अक्यूजिंग कि कोई दहेज देने के लिए कर रहा है, वो कर रहा है, मैं मेरा पॉइंट ये है कि अगर हमने
ये सिस्टम सही से बनाया होता ना, अगर हमने इस बारे में इस बात को कॉमन कर दिया होता ना अपने लोग अपने घरों के अंदर, किसी को कहीं 50 लोगों को प्रीच करने की जरूरत नहीं यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पे, यहाँ वहाँ अपने घर पर, सिर्फ अपने घर वालों का दिमाग हमने बदल दिया ना कि यार ये काम नहीं करना है, तो दैट विल सफाइस। ये बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है, ये इसको आप बटरफ्लाई इफेक्ट समझो। आपने एक जगह सब लोगों ने अगर इंडिविजुअली अपने अपने घर पे स्टार्ट किया ना, तो दैट शुड बी एनफ, ठीक है। तो इन बारे में बात नहीं होती है उन हलकाज में, उन छोटी मीटिंग्स में, डाउरी के बारे में, जो हस्बैंड वाइफ के जो मसाइल, जो डोमेस्टिक घर पे मसाइल चल रहे हैं एक दूसरे के राइट्स के, और जो उन पे फर्दर इश्यूज आते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता है, ठीक है। इस बारे में बिल्कुल ही बात नहीं होती, इग्नोर कर दिया जाता है। इवन चाहे कि वो लड़का या लड़की सफ़र कर रहा हो सॉर्ट ऑफ मेंटल एंगजाइटी, डिप्रेशन, और सॉर्ट ऑफ अभी हम सब ने यार लास्ट ईयर पढ़ा था केस, वो सिस्टर आयशा नाम था आई गेस, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, है ना। ये सब कहाँ से आ रही है प्रॉब्लम, हम बात नहीं कर रहे ना इन प्रॉब्लम से अपने घरों के अंदर, इसीलिए तो प्रॉब्लम अराइज हो रही है, क्योंकि जब हम बात नहीं करते हैं तो ये बन के बहुत मेजर एक तरीके का कैंसर बन जा रहा है लेटर ऑन लाइफ में। उसके अलावा जो घर के और जो बेसिक राइट्स हैं उन बारे में बात नहीं होती है, कि शादी वगैरह के बाद एक ही घर में 5 भाई हैं तो सब पांचों एक ही घर में रह रहे हैं अलग अलग कमरे में, ये सब। और इसकी वजह से जो मसला क्रिएट हो रहा है, मसले फोकस करो, आप ये मत फोकस करो कि ये लोग क्या यार, ये लोग मतलब मेरे अब्बा नहीं मानेंगे, मेरी अम्मा नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। अब जो इसके बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उस प्रॉब्लम पर फोकस करो आप। जब उस पर मैग्नीफाई करोगे ना, तो यू विल सी कि क्या कहेंगे से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ये बात इस बारे में बात नहीं हुई तो, ठीक है। आई नो कि बहुत सारे लोग की तरफ से ये प्रॉब्लम होगी कि कैसे बात करें, सुनते नहीं हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम है, उसका आंसर ना आपको खुद निकालना होगा। यू हैव टू फाइंड आउट कि किस टाइम पर मेरे अम्मी, मेरे अब्बू या मेरे बड़े भाई किस टाइम पर उस माइंड में रहते हैं, या किस सिचुएशन में उनसे इस टॉपिक पर बात किया जाए, उनको नर्म किया जाए, किस तरीके से अप्रोच किया जाए, कैसे सुनाया जाए, कुरान के थ्रू सुनाया जाए, हदीत के थ्रू सुनाया जाए, एक माहौल क्रिएट करो। अगर आप कभी आपके घर में रात को 8 बजे आपके घर में टीवी, लाइक हमारे घरों में रात को 8 बजे टीवी स्टार्ट हो जाता है, फिल्में और टीवी सीरीज इंडियन चलते रहते हैं उस पर, उसके बाद हम ये चाहेंगे अचानक से एक दिन संडे को याद आया कि आज मैं चलो कुरान का अब्बा गया जिया वाली आज जरूर सुना के रहूंगा, तब तो फिर ये मसले होंगे ना, नहीं सुनेंगे ना यार, वो कहाँ सुनेंगे, वो कॉमन सेंस की बात है। ये आपको ग्रेजुअल प्रोसेस रखना होगा, एक माहौल क्रिएट करना होगा, बेसिक से स्टार्ट करें, पहले खुद से स्टार्ट करें। घर वाले कुछ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ले जाके उनके सामने किताबें खोल के बैठ जाओ, ठीक है, अल्लाह रसूल की सीरा पढ़ने लगो, देखिए लोग देख देख के स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब आप या इसको इसको सीरियसली बोलते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट, अब वहाँ बेसिक से स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद माहौल क्रिएट करो, छोटा घर पे बताया मैंने, जैसे छोटा घर पे भाई बहन है उससे स्टार्ट करो, फिर कभी अम्मी अब्बा बैठे हैं कोई ऐसी बात हो गई तो कुछ ऐसी बात पहले लाइट बात बताई उनको, प्रिपेयर करो पहले उन बड़ी बातों के लिए जिन बड़ी बातों के लिए कोई सोचता भी नहीं है, ठीक है, उन बड़ी बातों के लिए प्रिपेयर करो जो बातें आपको करनी है, छोटे से स्टार्ट करो, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आप बिल्कुल ये मत सोचो कि यार मैं आज मुझे बात करी तो 1 महीने के अंदर मैं उन लोगों को बदल दूंगा या बदल दूंगी, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। होंगे कुछ पेरेंट्स लगी जिनके अंदर अल्लाह ने ऑलरेडी ये सलाहियत दे रखी है बच्चों की सोच को एक्सेप्ट करने के लिए, नहीं तो मोस्टली तो इसी प्रॉब्लम में आजकल रहते हैं ना कि कल का लड़का लड़की हमें सिखाएगा, ये वाला जो इश्यूज है ना। तो इसको दूर करने के लिए आपको अपने आप को क्रेडिबल बनाना पड़ेगा। यू हैव टू यू हैव टू मेक योर सेल्फ लाइक क्रेडिबल एनफ कि वो आपकी सुने, ठीक है, और वो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप जब भी कोई भी दिन की बात करें ना तो कोई आपकी बात को काटे ना, ठीक है। ये बहुत बेसिक घर की बात है। उसके बाद फिर आप जिस कम्युनिटी में लोकेलिटी में रहें आप खुद के मसले देखो। मेरे पास इतने काउंसलिंग के टेक्स्ट पड़े हैं ना, आपको मैं प्रॉब्लम्स बताने लगूँ तो यू विल सी कि हाँ यार ये तो घर घर की प्रॉब्लम है। लाइक आई सेड कि शुरू में मैंने बताया ना कि अगर मैं प्रॉब्लम पे बात करूँगा तो आप लोग बोलोगे यार ये प्रॉब्लम सबको पता है, इसलिए मैंने प्रॉब्लम पे ज़्यादा वक्त वेस्ट नहीं किया। तो जहाँ पे भी जितने भी लोग जो भी कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, अगर आपके फ्रेंड्स उस लोकेलिटी में, सिस्टर्स का, ब्रदर्स का, आप दोस्तों के ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप में एक आदमी, अंकल, आंटी, हाफिज को या कोई ऐसा बंदे रखो जिन लोगों की जिसकी बात सुने लोग, है ना, उनके साथ जाओ, धीरे धीरे हल्का स्टार्ट करो। वीकेंड रखो, सैटरडे संडे में रखो, लड़कों को तो चलो फिर भी यार एक मौका मिल जाता है जुमा को एक गेदर होने का और जुमा में खुतबा सुनने का, 50 लोगों से, दोस्तों से मिलने का, टाइम स्पेंड करके जाते हैं, 40 तरीके की बात करते हैं, सिस्टर को ये भी मौका नहीं मिलता ना। क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटी आप अपने लिए, और 2 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ स्टार्ट करो, और उसमें डे डिसाइड करो। जो हल्का जिस तरीके की मैं इनिशियली आपको बता रहा था, ये तो एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, बेसिक
क्या करना है, या आपको खुद बेहतर आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे कि आपके इन पर किस टाइप की आपकी लोकैलिटी है, किस तरीके के आपके यहाँ के लोग हैं, कैसी बातें सुनेंगे कैसी बातें नहीं सुनेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जब ऐसी बातें आप करें ना तो डोंट लाइक ऐसी बातें ना करें उनके साथ कि वो लोग आपसे दूर भागे। क्रिएट दैट एक्सेप्टिंग इन्वायरमेंट जहाँ पर लोग आपको सुनना चाहें, ठीक है। क्रिटिसाइज ना करें, कोई कुछ गलत बोलता है तो कोई ज़ईफ़ हदीस भी कोट करता है ना, तो डोंट बी सो रूड अबाउट इट कि नहीं नहीं ये तो गलत है, अरे तुमने पता नहीं कहाँ से पढ़ के आ गए, कहाँ से सुन लिया, क्या कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं दीन की दावत दी जाती है। उस बार में अलग से बाद में बताएं, कोई इतनी मेजर बात है तो वाकई में कुरान और सुन्ना को सीधे ब्रेक कर रही है, देन यू हैव टू ऑफकोर्स उनको पॉइंट आउट करना है, और वो भी प्यार से करना है ना। बात करने का मैं भाई बताया ना कि सीरा और जब सहाबा साहबियत को आप पढ़ेंगे ना, आपको शऊर आएगा बात करने का कि दावत देनी कैसे है, किस टाइप के लोगों को किस तरीके से इनवाइट करना है, किस तरीके का पर्सपेक्टिव उनके सामने रखना है। इसमें इसमें इसके साथ आपको ये भी क्लैरिटी मिलेगी कि लोगों के ना जैसा घर होता है ना, जिस तरीके के लोग हैं वैसा वैसा थॉट प्रोसेस भी उनके दिमाग में चल रहा होता है। जब आप सीरा का और अल्लाह और सहाबा का इनका मुताला करेंगे ना, बुक्स का, इनकी लाइफ स्टोरी का, आपको यू विल गेट एन आइडिया कि यार किस बंदे से किस तरीके की बात करनी है, ये सब कॉन्शियसली आपके अंदर आएगा। और इसमें एक चीज़ ये बता दूं कि आपको ये इस बात पे बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार आपने इतनी किताबें पढ़ ली आपको कुछ याद ही नहीं है उसका। किताबें ऐसे वर्क करती भी नहीं है, आप कोई भी किताब उठा लो, कुरान के अलावा मेमोराइज़ करने की बात छोड़ दो, तो हर किताब का आपको कुछ याद भी नहीं रहना है। जब आप पढ़ोगे ना तो वो आपके सबकॉन्शियसली एक डेटाबेस में स्टोर होता रहता है, जब आप उस टॉपिक पर बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली पॉप अप होता रहता है। अगर कोई टॉपिक, कोई हदीत, कोई कुरान की आया ऐसी है जो आपको पॉप आउट नहीं हो रही है ना, तो वो आपको ना आपकी रूह को बदलती है इंटरनली, लेकिन चेंज जरूर करती है। हर अच्छी बात, हर बुरी बात आपको किसी न किसी तरीके से चेंज कर रही है। तो ये चॉइस हमारी आपकी है कि हम किस बात से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल पर आप ये पढ़ना स्टार्ट करें, बुक्स वगैरह किताब का सीरत से स्टार्ट करें, अल्लाह के रसूल की सीरत दो तीन किताबें पढ़ें, अच्छे अच्छे नाम हैं, मैं शेयर कर दूंगा, मुझे आप लोग टेस्ट कर लेना, मैं बता दूंगा। और सहाबा की, सहाबियात की लाइफ स्टोरी पढ़ें, मैं आई बीन सर्चिंग फॉर बायोग्राफीज ऑफ उम्महातुल मोमिनीन एज वेल एज फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, उस्मा बिन्त अबू बकर, ज़ैनब बिन्त जहश, और जो मेजर सहाबियात थी, मुझे दो तीन किताबें तो मिल गई हैं, बट अभी आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर मोर। तो आप लोग उनको पढ़ें, उसके अलावा ये खुद की पर्सनालिटी करने के लिए डेली डेडिकेट एन आवर फॉर इट, एंड किताब लिख के बैठे, ज़बरदस्ती बैठे, पढ़ना नहीं आता है, एक पेज को 10 बार रिपीट करें, बट स्टार्ट विद इट। अगर आप ये नहीं करते हैं तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इट्स द इल्यूजन ऑफ शैतान हमारे अंदर, जो हमको लगता है कि हमने दो चार पोस्ट यहाँ वहाँ शेयर कर दी तो हमें लगता है हम दीन का बहुत बड़ा काम करें, हमने अपनी अप्लीकेशन मुकम्मल कर दी, हमने अल्लाह के यहाँ जॉब देने के लिए हो गया, अल्लाह देखो मैंने वाली पोस्ट शेयर कर दी, 4000 लाइक्स आए थे उस पर, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर बहुत बहुत मेजर मसला है, अपने आप को आप गलत फहमी में, लाइक शैतान के वर्स्ट वाले इल्यूजन में है हम, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो कंक्लूडिंग इट, इंडिविजुअल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर आप वाकई में बुक पढ़ना स्टार्ट करें, इल्म लेना स्टार्ट करें, जो भी दो तीन तरीके मैंने बताए, उसके अलावा और जो भी आपके मन में आइडियाज़ होंगे, ज़रूरी नहीं कि यही एक, इट वॉज जस्ट अ पर्सपेक्टिव, पॉइंट्स थे ये जो बात करनी है, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। इसके अलावा आपके दिमाग में जो भी और तरीके हैं आप बेशक उन पर अमल कर सकते हैं। और जो सेकेंड पॉइंट था कि अगर हमें वाकई में आने वाले 5-10 ईयर्स में हमें कुछ करना है ना, तो हमें वो बेसिक बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा अपने घर से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने रिलेटिव से, अपनी लोकेलिटी से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। और आप दावा देने की जो बुक्स है ना, बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी कि हाउ इनवाइटिंग टू इस्लाम, लोगों को इस्लाम की दावत कैसे देते हैं। और जब मैं इस्लाम की दावत की मैं बात करूँ तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियन नॉन हिंदू या इन लोगों की मैं दावत की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि हम अपने भाई बहन, चाचा ताऊ मामा फूफा फूफी जो भी ये लोग हैं ना, और अपने मुस्लिम भाई बहन को, उनको इस्लाम की दावत कैसे दे, उनसे बात करने का क्या तरीका है, वो लोग कोई हराम कारी में लगा पड़ा है तो उसको क्या तरीका है एक्सप्लेन करने का, आपको ये वाली क्लैरिटी इंशाल्लाह उन किताबों से मिलेगी। और हमें इंडिविजुअल लेवल पर स्टार्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरा भी पर्पज़ यही था, मैं ये ऑनलाइन वॉनलाइन पर ना, यूट्यूब पर, इन सब चीज़ों पर मेरा ना वाकई में इतना ज़्यादा
इनसे इफेक्ट आने वाला नहीं है, तो मुझे करना भी नहीं था ये। मुझे एक्चुअली करना क्या है, कॉन्फ्रेंस करने है, वन टू वन जाना है, मुझे उनकी रिकॉर्डिंग भी नहीं करनी है, फ़ोन को मुझे डस्टबिन में लगा के आना है, लिटरली एक बकेट में सब लोग अपना फ़ोन वहाँ डाल के जाओ, और फिर इस तरीके के ट्रेनिंग सेशन करने हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी मैं उस मौके पर नहीं हूँ, तो मैंने ये बात इसलिए करनी बात करनी चाहिए क्योंकि क्या ज़रूरी थोड़े ना यार वो चेंज अल्लाह मुझसे लाना चाहे। आप में से माशाल्लाह कितने पायस लोग होंगे, कितने तकवा वाले लोग होंगे अल्लाह जिनसे अपना काम लेना चाहते हों, ये तो अल्लाह के ऊपर है ना, अल्लाह किससे काम लेना चाहे। तो इसलिए मैं बस ये आइडिया एक डिस्क्लोज़ करना चाह रहा था सबके सामने कि जिसके दिमाग में भी इस तरीके को कुछ काम करने का इरादा है ना, आप लोग अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करें, अल्लाह पे भरोसा करके स्टार्ट करें, इंशाल्लाह उस पर ताकत देने वाला सुभान व तआला है और वही उस काम को आगे ले जाएंगे। ओके दैट्स इट, जजाकल्लाह खैर। इसके बाद अगर किसी के क्वेश्चन आंसर्स हैं तो आप लोग लाइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं वन बाय वन, क्योंकि इसमें हैंड रेज का आई थिंक ऑप्शन नहीं है, अगर है तो आप लोग हैंड रेज कर दें, मैं नाम कॉल आउट कर लूँगा और फिर मैं क्वेश्चन ले सकता हूँ। अदरवाइज वी कैन रैप इट अप इंशाल्लाह। जजाकल्लाह खैर फॉर ज्वाइनिंग, आई होप मैंने बोर नहीं किया। सो क्वेश्चंस एनीवन, अगर हैंड रेज का ऑप्शन है तो आप हैंड रेज कर दो, आई थिंक ये है नहीं फ्री वाले में। ओके नो क्वेश्चंस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।